अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं बाहर निकल रही हूँ। प्लान ये है कि पहले अपने पार्लर चली जाऊँगी और छोटे मोटे घर के काम करती हुई वापस आऊँगी। आपने मेरी लास्ट वीडियो में जैसे कि देखा था कि हमारी आज एनिवर्सरी डे है, तो हो सकता है हम लोग कहीं डिनर वगैरह पे जाएं, तो मैंने कहा कि मैं अपने खास तौर पे बालों का रूट्स वगैरह करवा के तो फिर मैं आती हूँ। मतलब डिनर से पहले तैयारी मुकम्मल कर ले हैं, थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग तो करानी है, सो आई विल बी राइट बैक। ओके। अच्छा जी, तो डिनर के लिए मैंने अपना जो ड्रेस चूज़ किया है वो ये है, और काफ़ी सोचने के बाद, और उसके साथ ये शूज़ हैं। तो मैंने कोशिश की है कि एक ना बहुत ही ज़्यादा शोखा सा भी ना हो और बहुत ही ज़्यादा डल भी ना हो, एंड इट शुड गो विद माय एज। दो केले लेके जाऊंगा ऑफिस। नहीं तो ये केले क्यों खाए जा रहे हैं? आपको नहीं पता कि एनिवर्सरी का डिनर है? खा लिया, अब एक खाया है, ज्यादा नहीं खाए। केले मैंने यहाँ रखे हुए हैं, ये लो तुम और खा लो ना, अभी थोड़ी देर में जाएंगे ना, क्योंकि ये अगर मैं बाहर रखूँ तो ये जल्दी खराब हो जाएंगे। यहाँ पर तो फिर भी एसी लगा हुआ है, और अगर मैं ये फ्रिज में रखूंगी तो ये काले हो जाएंगे। खराब है। मैंने खराब नहीं है बेटा, ऊपर वाला चक्कर लगा हुआ है। चले फिर तैयार हो सारे। ओके। मुझे ही पड़ी हुई है एनिवर्सरी की। क्यों? ओए ओए। क्या खा रही हो? मैं जरा थोड़ा सा, मैंने कहा मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाए, तो ये मुझे तुमने तो दिया है। क्या खा रही हो? मैंने अपने लिए ओट मील बनाया था, क्योंकि अब मामा ले चुकी हैं, पर मैंने बहुत ज्यादा बना लिया था। इसके अंदर थोड़ा सा दूध और होना चाहिए। आई लाइक इट दिस, आई डोंट लाइक रनी ओटमील। इट्स लाइक आई लाइक इट थिक, सो आई कैन जस्ट गेट इट ओवर विद, वरना आई हेट द टेस्ट ऑफ ओटमील। नहीं, बुरा तो नहीं है, लेकिन बहुत स्टिकी सा है। या इसीलिए, क्योंकि मैं बस दो तीन चम्मच लगा के खत्म करने की वाली बात करती हूं। ये कौन सी, किधर का है? आई डोंट रिमेम्बर, आई विल शो द बॉक्स। जिसका येलो ढक्कन होता है? हाँ। मामा आपको पता है मैंने आपके कमरे में दो चूहे देखे हैं? बकवास ना करो। हाँ हाँ, हो ही नहीं सकता। मैं देखे अभी। क्या मतलब देखे? एक इधर था और एक उधर था। जी नहीं। हाँ हाँ, मैंने हारी थी और मैं आपके कमरे में बाहर आई हूँ, यहाँ पे दो चूहे थे। कसम खाओ, सच बताओ। सच बता रही हूँ। इरम भी मुझे कह रही थी कि छोटी सी वो जो होती है ना पूपी। हाँ देखा, आई टोल्ड यू। लेकिन वो लिजर्ट की लग रही थी। नहीं, यहाँ पे दो चूहे थे। नो, आई सॉ देम मामा, दो बड़े बड़े ब्लैक चूहे थे उनके। ना करो, बाबा को बताओ। उनके दो सींग भी थे। मुझे पता लग गया कि आप चबले चबलियां मारो, मत मारो मामा के साथ। मामा को मत डराओ यार, मेरी एनिवर्सरी। अच्छा, मैं तैयार होने जा रही हूँ, आप भी तैयार हो जाओ, फिर आपका मैं थोड़ा सा फोटो शूट करती हूँ, अपना ड्रेस दिखाओ लोगों को एनिवर्सरी का, मेहरबानी, और फिर हम चलते हैं डिनर पे, ठीक है? I am so happy. I love you. Love you. बड़ी अच्छी लग रही है मामा। यार ठहर तो जाओ जरा, मुझे दुपट्टा तो सेट कर ले। बहुत अच्छी लग रही हो। वाह, 12, ये आपका एनिवर्सरी ड्रेस डिनर। रेस्टोरेंट्स बंद थे लॉकडाउन की वजह से, तो हमें फिर मैरियट में ही आना पड़ा, बट दिस टाइम वी हैव कम टू डायनेस्टी।
हमने बीफ मंगवा रहे हैं लेकिन आई वॉन्ट प्रॉन्स एज वेल, तो मैं देखती हूँ। मैं तो वो जो स्पेशल डायनेस्टी है मैं तो वो पीऊँगा पहले, उसके बाद वही जो आप लोगों ने मंगाया आई विल हैव दैट। अभी खोलना नहीं बेटा, अभी वो तो खाने के साथ अपने गर्म करना। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज, कोई जज्बाती तकरीर नहीं कर रही, अंग्रेजी फिल्मों में यही होता है। ओके, आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट आवर लाइफ, लेट मी से फ्यू वर्ड्स अबाउट आवर लाइफ। ओके, तो हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह, और एक दूसरे को हमने काफ़ी बर्दाश्त किया, और जो एक दूसरे की वीकनेसेस थी वो हमने कवर की, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहीं परेशान होती हूँ तो बाबा मुझे बेहतर कर देते हैं, और जब बाबा कराटे लेते हैं तो मैं बाबा को टांग मार के उठा देती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह ही होता है कि एक दूसरे को एक दूसरे के साथ बैलेंस बैलेंस करना। Yes, I would like to say something. Few words. Anjum and myself, we have spent now, I think, a reasonably good time. And in this time, what I found that Anjum is a very remarkable person. MashaAllah, hamara bada acha time guzra. But on the other side, it was a excellent change in my life, at least to get married with her. Siblings. Mariam, Mariam, what do you think about us? I would also like to say a few words. Okay. बहुत अच्छे लोग हैं। जब वाईफाई नहीं होता तुम्हारी बातचीत हो जाती है कोई कभी। अच्छा, और मामा ज़्यादा अच्छी हैं कि बाबा? कैसा है? बहुत अच्छा। खाना तो हमारा यूँ चलता ही रहेगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी किसी और अच्छे ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू यू।